आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ये भी व्हाट्सएप के आने वाले इमेजेस के बारे में है कि व्हाट्सएप में जो इमेज आती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट में। बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा व्हाट्सएप। अब इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारे पास इमेजेस है। अब इस इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसे हम टेक्स्ट के रूप में कैसे पा सकते हैं, मान लीजिए ये जो पे लिखा गया है टेक्स्ट इसे हम टेक्स्ट के रूप में चाहते हैं ये कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें दोस्तों इसको हम टाइप भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका, सिर्फ एक क्लिक कीजिए और ये जो लिखा हुआ है ये आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा एक सॉफ्टवेयर जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या काम करता है और कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले दोस्तों इसे हम करते हैं ओपन। जब ओपन करेंगे दोस्तों तो आपसे एक दो परमिशन मांगेगा जो कि आप दे सकते हैं। मान लीजिए यदि आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पर यदि कुछ लिखा गया है उसे भी आप फोटो खींचकर डायरेक्टली उसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर यदि आपके पास पहले से इमेज पड़ी है तो उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा का ऑप्शन बना है, कहीं पे आप जा रहे हैं या फिर कहीं कुछ देखे हैं उसको आप कैप्चर करके उसको भी कर सकते हैं टेक्स्ट रूम में। तो फिलहाल यहाँ से हम गैलरी खोलने वाले हैं और यहाँ से हम कुछ इमेज ले लेने वाले हैं और इस इमेज को हम करते हैं यहाँ पे कन्वर्ट। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। इसे आप कॉर्प भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका कॉर्प करने का ऑप्शन दिया, चलिए हम इतना इसको कॉर्प कर लेते हैं। तो दोस्तों जो कि मुझे चाहिए, यदि मान लीजिए यह इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है यदि वो साफ नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन बना रहता है, इसको यदि ऑन करेंगे ये देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, आपका जो लिखा गया वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आने लगता है। फिलहाल इसे हम करते हैं ऑफ करते हैं क्योंकि मेरा लिखा हुआ बहुत साफ है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको किस रूप में कन्वर्ट करना है, आप मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले से हिंदी किया है, यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश करना है या फिर कोई और लैंग्वेज यदि आपको चाहना है, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। इसी के अंदर ये डाउनलोड होता है या आपकी गैलरी में या फिर आपके मोबाइल के अंदर कहीं से नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। फिलहाल मैं इसको हिंदी में ही करने वाला हूँ, टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे बना हुआ है इमेज टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का दोस्तों कुछ ही समय आपको वेट करना होगा, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड वेट करना होगा, उसके बाद ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट के रूप में ये आ गया, जो इमेज पर लिखा था यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट के रूप में यहाँ हमारे सामने आ गया। अब इसे आप यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ से इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में भी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन खुल जाएगा जो कि आपको डाउनलोड करना होगा गूगल ट्रांसलेटर, यदि आपके पास है तो डायरेक्टली उसे कर सकते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पर भेजने का ऑप्शन भी दिया है, यदि आप किसी को शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली आप यहाँ से अपना व्हाट्सएप भी खोल सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप आ गया। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं, देखते हैं कि जो हमने कॉपी किया देख सकते हैं सेम वही चीज़ देख सकते हैं जो ऊपर है जो कि इमेज में था वही सेम चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में भी आ गया है। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी इमेज पे लिखे हुए किसी भी वर्ड को हिंदी इंग्लिश से किसी भी वर्ड में लिखा है उसे बहुत आसानी से टेक्स्ट में कर सकते हैं और टेक्स्ट को आप चाहे तो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।